छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री भूपेश बात करते करते अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल एक कोरोना वॉरियर्स नर्स की आपबीती सुनकर सीएम बघेल भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे रही कुछ नर्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। कार्यक्रम में बलौदाबाजार की नर्स वर्षा गोडाने की सेवा भावना को जानकर मुख्यमंत्री भूपेश भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने उनकी सेवा भावना को सैल्यूट किया। दरअसल बातचीत में वर्षा ने बताया कि अपनी सास और ननद की कोरोना से मौत के बाद भी वो ड्यूटी कर रही थी। वर्षा जी, आपने अपनी आप बीती भी बताई और हम सब इसे द्रवित भी हो गए और ऐसे ही स्थिति में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इस महामारी के काल में आप लोग जो सेवाएं दे रही हैं, जिन परिस्थितियों में दे रही हैं, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सभी अधिकारीगण और सभी नर्सों को मैं नमस्कार करता हूं और बधाई भी देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में आप काम कर रही हैं। बहुत से सभी नर्सों से बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नर्सों से हमने बात की और उनके परिवार प्रभावित होने के बाद भी किस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर, न केवल वो खुद प्रभावित हुए, परिवार के लोग प्रभावित हुए, परिवार के लोगों को खोने के बाद भी जो सेवाएं आपने दी है वो उत्कृष्ट सेवा की श्रेणी में आता है। और मैं सभी जितने भी नर्स बहने हमारे काम कर रहे हैं उसको मैं सलाम कर। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।